करते हैं जोधपुर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भी गलत ठहराते हैं और जब सबूत मांगते हैं इससे कांग्रेस की देश के प्रति मंशा साफ जाहिर होती है। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि सेना ने जब मीडिया के सामने आकर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया उसके बावजूद भी कांग्रेस सबूत मांगती रही। आज पूरा देश सेना पर गर्व करता है लेकिन कांग्रेस को सेना पर विश्वास नहीं है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए 5 सालों में कार्यों का गुणगान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के भाजपा पुनः सरकार बनाएगी और निश्चित तौर पर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में आएगी। बस हो गया कि मोदी जी के हाथ में। 2008 में भी आतंकी हमला हुआ था मुंबई में और आतंकी हमले के बाद सेना ने उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पूछा था कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं, उन्होंने मना किया, इजाजत नहीं दी। अब मोदी जी है पुलवामा के बाद जैसे वायुसेना ने कहा हम अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान पर बम हमला करेंगे और आतंकवाद का निपटारा करेंगे, मोदी जी ने इजाजत दी, निर्णय लिया, इसलिए लोगों को लगा कि सुरक्षित देश इन्हीं के हाथों में। अब ये कांग्रेस कह रहे कि सैनिकों का पराक्रम बताना नहीं चाहिए चुनाव में, कमाल है, सैनिकों का पराक्रम बताना, सैनिकों को वंदन करना, इसमें क्या गुनाह है? हम हमारे देश के सेना का वर्णन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के सेना का गुण गाएंगे? भारतीय जनसंघ के दिनों से हम भारत माता की जय कहते हैं। कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि आप भारत माता की जय चुनाव में क्यों कह रहे हो? अरे हम हमेशा कहते हैं और आपको किसने मना किया है? आप नहीं कहते वो आपका दोष है, हमारे साथ जनता है, इसलिए ये है। और इसलिए हम एक जबरदस्त विजय की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस का जनाधार ही खत्म हुआ और वो गरीब का जनाधार इधर आया। मोदी जी ने गरीब का, किसान का, मध्यम वर्ग का, व्यापारियों का और सभी समाज के वर्गों का ख्याल किया है, इसलिए लोगों को एक मजबूत सरकार, दमदार सरकार, तरक्की करने वाली सरकार चाहिए, इसके लिए मोदी जी के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं। यही आज मेरा कहना है, इसी विषय पे कुछ